लोग अच्छे हो गए। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल जोया, यू ऑल्सो से समथिंग। हाय एवरीबॉडी, टुडे वी आर डूइंग अ क्राफ्ट वीडियो विद जोया। Yes, so we have Zoya also. So today both of the kids are going to do a craft video, a DIY craft. And what is DIY paper dollhouse? Yeah. Yes, Zoya is excited. Yes. Yes. Dollhouse. और उसमें special क्या होगा? हम उसको puppet style बनाएंगे जो. Puppet style, full rainbow puppet. Rainbow puppet वगैरह ऐसे होते हैं ना, वैसा style का हम बनाने वाले. Yes, तो उसके paper dollhouse बनाने वाले हैं। तो let's see, मुझे भी कोई idea नहीं। Star ने पहले भी बनाया है ये, जो Star ने अपना paper craft दिखाया था, उसमें उसने house दिखाया था। Started. Yeah. Come on. First हम बताएंगे कि एक room कैसे बनाना है, फिर हम बताएंगे उसको decorate कैसे करना है। Yes. Okay. तो पहले हम कुछ सामान साइड कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो। तो पहले आप एक A4 साइज पेपर लीजिए, फिर उसको ऐसे टर्न करके ऐसे फोल्ड कीजिए। So, दोनों को हाफ में फोल्ड करना है। करेक्ट, परफेक्ट फोल्ड। अगेन परफेक्ट फोल्ड, दैट्स इट। या तो अब आप अपना एक स्केल ले लीजिए। तो जब आप मेजर करोगे तो हर कॉर्नर 9.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार 9.5 सेंटीमीटर ले रही है। नॉर्मली मैं 8.5 बनाती, पर इस बार 9.5 बना लूं। ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने ये फोल्ड किया था ना, उधर से आप मेजर कीजिए, वरना इधर से करेंगे तो वो दोनों हाफ बन जाएंगे। यस, तो चारों तरफ वैसे ही है। हाँ, अब बस आप फिर से चेक कर लीजिए, अगर आपका करेक्ट है, करेक्ट है तो बस आप लाइन बना लीजिए और फिर इसको कट करना है। सो इसको परफेक्टली कट करना है, राइट? यस, उसी शेप में कट आउट करके निकालना है। तो अब आपने कट कर लिया, फिर इसको ओपन कर लीजिए। ये बन गया है। सो यहाँ पे ऐसे चार इन्होंने पेपर कटिंग्स उसी साइज के बना दिए हैं, जिनसे बनेंगे हमारे चार रूम्स, बाथरूम, किचन, लिविंग रूम एंड बेडरूम। यस, फर्स्ट वी विल मेक द रूम्स। So first you have to cut them. Yeah, please. This middle line you just cut it. Okay. I'll just use a small paper sheet. So Zoya is also doing that. Cut it. Just the middle line, huh? Till there, not till full. Okay. Okay. Then you just fold it. Fold. Just fold it. And we need white glue. तो अब बस white glue इधर लगा लीजिए। अब आप अच्छे से white glue लगा लीजिए। Now stick it. I'm gonna do this. Yeah. Nice, stick it. तो ये देख सकते हैं, ये रूम बन चुका है इनका। एंड वी हैव टू डू द सेम फॉर एवरी फोर अदर। तो अब हमने ये वॉल्स लगा दिए जो हमने कलर पेपर लेके हमने काटा है। तो ये जो है ना, स्टार बेडरूम बना रही है, ये जो का पेपर से पॉपेट स्टाइल का बेडरूम बनाने वाली। तो वॉल्स में कलर पेपर लगाया है, पिंक कलर का कलर पेपर कट करके उस पे चिपका दिया है। Now we're gonna make the bed. Okay. And many other furniture that belongs in here. Clock, mat and all. So Star is making the cupboard. Zoya is making the window. This is the window. Huh. This is a dimple. This is a square puppet. I'm making an ice cream puppet now. So Zoya is making some dresses for the cupboard. So यहाँ पे Starlet ने cupboard बना दिए है और यहाँ पे कुछ dresses भी बना दिए, Zoya ने बनाया है। अब हम उसके अंदर बस check करेंगे। Yes, और यहाँ पे window भी बन चुका है। Yes. Thank you.
तो ये आप बना रहे हो बेड, राइट? यस। फिर आप ऊपर से ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक है? हाँ। फिर आप नीचे से फोल्ड कीजिए, ओके? फिर आप इधर से फोल्ड कीजिए। थोड़ा सा स्पेस आपको बेड के लिए चाहिए ताकि हम ब्लैंकेट और पिलो वगैरह बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर नीचे थोड़ा सा गैप छोड़िए ताकि हम उसको चिपका सकते हैं। अब आप देखिए, मैं उसको इधर से काटती हूँ, थोड़ा सा गैप छोड़िए ताकि हम उसको ऐसे चिपका सकते हैं। इधर से हम चिपका देंगे और इसको हम ऐसे वॉल से चिपका लेंगे। फोटो फ्रेम। सो दिस इज अ फोटो फ्रेम दैट स्टारलेट हैज मेड एंड दिस इज ऑफ ऑल पॉपेट्स। And Zoya is making a blanket, rainbow puppet blanket. So today is the next day. Working on the project. तो कल बहुत टाइम हो गया था तो इनको अपने अपने दूसरे काम करने थे तो इसीलिए वो स्टॉप कर दिया, तो आज दे आर कंटिन्यूइंग। तो कहाँ तक किया तुम लोग ने अपना प्रोजेक्ट? तो अभी भी बेडरूम ही चल रहा है, कबर्ड और विंडो हो चुके हैं। जोया बना रही है ब्लैंकेट, पॉपेट ब्लैंकेट, मैट बना दिया है और यहाँ पे मैट यानी फ्लो मैट बन चुका है, पिलो, फोटो फ्रेम, बेड, एंड दिस इज द बेड, दिस इज द ब्लैंकेट, आई एम मेकिंग अ पॉकेट फॉर द ब्लैंक पिलो। ओके, सो ये सब असेंबल, ये सब पेपर कटिंग से बनाया हुआ है, सब कुछ आपको सब असेंबल करते हुए दिखा देंगे। स्टार अब बना रही है पॉकेट और जोया बना रही है ब्लैंकेट, जो बहुत मेहनत लगी जोया को बनाने में। 2-3 बार जोया ने कट करके फिर बनाया है ये ब्लैंक पॉपेट ब्लैंकेट। एंड दिस वन, दिस इज द प्लेस वेयर वी केप्ट 3 स्टोरी बुक्स, 3 रेनबो स्टोरी बुक्स, an eye mask, a sleeping mask, and there are eyelashes on the eye mask. Yes, a pillow on eye mask. So ye bedroom ka sara paper craft ho chuka, story books bhi banaye inhone jisme unhone lines bhi banaye ki kuch likha hai, aur ye sab aap dekh sakte hain colorful rainbow puppet type banaya hai. Ab hum isko chipka dete hain. रेडी हो चुका है, जिसमें है एक कबर्ड, खोलते हो तो एक ड्रेस, रेनबो ड्रेस विद शूज, यस, टी शर्ट एंड अ पैंट विद शूज। क्लोज द कबर्ड, यस, एंड द कबर्ड इज ऑल पॉपेट, हाँ, देयर आर पॉपेट्स ऑन टॉप, डिंपल्स, सर्कल पॉपेट, स्क्वायर पॉपेट, आइसक्रीम पॉपेट, यस, एंड देन देयर इज अ बेड, अ स्वीट लिटिल स्मॉल सिंगल बेड वेयर द ब्लैंकेट इज पॉपेट, the rug is also puppet, the window we couldn't do it, the window is a bit bigger, yes, and the photo frame is also puppet. So this is the bedroom. So next, yes, what you all are going to make? The living room. So next they are making the living room. Bedroom to done ho chuka hai, so living room kaun se color ka hone wala star? Mint green. Zoya abhi ग्लू लगा रही है, इन्होंने ऑलरेडी कट कर लिया है उसी शेप में वॉल्स को कलर करने के लिए। और इन्होंने सब कुछ बना दिया है लिविंग रूम का, जो जो उस पे चिपकाना होगा। तो स्टार बताओ क्या क्या बनाया? तो फर्स्ट हमने बनाया सोफा, फिर हमने बनाया पॉपेट मैट, ये जो लिविंग रूम होगा वो येलो पॉपेट थीम होगा, यस, येलो पॉपेट थीम को ग्रीन, ओके, फिर है ये, तो ये क्या है? पॉपेट रग, यस, या, फिर है ये टेबल मैट, टेबल मैट, मैट,
सो यहाँ पे है लिविंग रूम. लिविंग रूम पे पहले एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर चिपका दिया है, तो इसको भी पेपर से बनाया, राइट? यस. इसको येलो कलर किया है कि येलो पेपर है वो? येलो पेपर स्टिक किया है. बीच में ग्रीन कलर पेपर स्टिक किया है. फिर ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है और फिर इसके ऊपर टीवी आएगा, राइट? यस, दिस इज द टीवी. तो इन्होंने टीवी चेंज कर दिया है. टीवी के ऊपर भी येलो पेपर डाल दिया टू मेक इट अ लिटिल कलरफुल. सो ये टीवी चिपकाएंगे. यस. एंड देयर इज अ सोफा एंड देयर इज अ वाज एंड देन देयर इज अ क्लॉक. या, एंड द टीवी टेबल. यस, नाउ लेट्स असेंबल. यस. लिविंग रूम में लैम्प भी लग चुका है और क्लॉक भी लग चुका है, फ्रेम भी लग चुका है, टीवी भी है, स्टैंड भी है, सोफा भी है, रग भी है. एंड लिविंग रूम इज लुकिंग वेरी प्रिटी. एंड ये है हमारा बेडरूम. और मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा भी बना दिया है. क्या बनाया आपने? लैपटॉप. एप्पल लैपटॉप है ये. लैपटॉप और वो भी स्टोरी बुक्स के साथ डाल दिया. यस. Next, what y'all are going to make? Next, we are going to make the kitchen. Yeah. फिर बात है, हम इसको ऐसे चिपका देंगे. जिसमें रखे प्लेट्स. यस. तब हम उसको फोल्ड करके इसको ऐसे 3D बना देंगे. तो चलो चिपकाते हैं.
सो फाइनली द किचन इज डन. तो किचन में बहुत सारी चीज है, तो फर्स्ट हम फ्रिज से शुरू करते हैं. तो फ्रिज में है कैरेट्स, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह बहुत कुछ है. मिल्क है, मैंगो जूस है, सम ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज, ब्रेड एंड ऊपर है फिश एंड आइसक्रीम. यस. नेक्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल किचन काउंटर वेयर इन दिस कबर्ड देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेट्स. लेट्स जस्ट गेट दैट आउट. सो दीज आर द क्यूट प्लेट्स दैट दीज पीपल मेड. नेक्स्ट देयर आर सम ड्रॉवर्स देयर. सो नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉवर्स है, ऊपर स्टोव है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंक है, देयर इज अ टैप ऑल्सो. एंड यहाँ पे है स्नैक्स काउंटर जहाँ पे सारे स्नैक्स रखे हैं. एंड हियर देयर इज अ विंडो, क्योंकि किचन में विंडो होना ही चाहिए. सो नाउ दे विल शो द स्नैक्स ऑल्सो कि स्नैक्स में क्या क्या इन्होंने बनाया है. सो व्हाट यू ऑल मेड? देयर आर टू लेस, वन इज अ नॉर्मल एंड वन इज द क्रीम एंड ऑनियंस. ओके, दिस इज चॉकलेट. Yes. And this is hide and seek. Hide and seek. Okay, so these are the snacks. So finally, the kitchen is also over. Yes. Let's just put back the snacks. And here is the bedroom once again, and here is the living room. So I hope everybody is liking the color theme. Yes. So next, the only thing is left is bathroom. Thank you.
देख सकते हैं हमारा बाथरूम हो गया रेडी। तो आप देख सकते हैं इधर एक वॉश बेसिन जिसमें है नीचे एक कैबिनेट हमारे सामान रखने के लिए। मिरर है यहाँ पे, अच्छा खासा बड़ा मिरर है। यहाँ पे है वॉश बेसिन, यहाँ पे एक टैब भी है जहाँ से पानी गिर रहा है, और साथ ही साथ हमारा वॉश बेसिन प्लस कैबिनेट्स जिसमें सारा सामान रख सकते हैं। एंड दिस साइड इफ यू गो तो यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पे एक स्टैंड, ऊपर आप देख सकते हैं नीचे टब है नहाने के लिए, बाथ टब। यहाँ पे हमारे टॉवल्स वगैरह टंग सकते हैं और नीचे एक रग है। तो ये सिंपल सा बाथरूम हो चुका है रेडी क्यू स्टार। यस, तो ये हमारे चारों रूम है रेडी। फाइनली बहुत टाइम के बाद और चार और जोया ने मिलके चारों रूम्स रेडी कर लिए थे। आज yes. जोया नहीं है, फाइनली जोया की तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए आज स्टार ने ही बाथरूम फिनिश किया है। अब हम ये चारों को ऐसे एक दूसरे से ऐसे चिपका देंगे। हमारे 3D हाउस का मॉडल जिसमें है मल्टी कलर्ड रेनबो पॉपेट बेडरूम, एक ग्रीन और येलो लिविंग रूम, एक डार्क येलो और ब्लू किचन, और बाथरूम तो ब्लू ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको ट्राई कीजिए, आप जरूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आप बहुत अच्छा बनेगा। सो प्लीज डू ट्राई दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप। कमेंट ऑन आवर चैनल अबाउट व्हाट वीडियोस डू यू वांट एंड अबाउट हाउ यू लाइक आवर क्राफ्ट वीडियोस, एंड डू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, एंड डू लाइक दिस क्राफ्ट।